मुरादाबाद के जिला अस्पताल के प्रांगण में खड़ी एक स्कूटी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहां खड़े वार्ड बॉय गुलफाम ने अपनी सूझबूझ से तुरंत ही पानी डालकर आग को बुझाया। स्कूटी का नंबर DL10SU3321 है। वहां खड़े सुरक्षा कर्मी ने बताया कि ये स्कूटी पिछले लगभग 2 घंटे से खड़ी है, लेकिन इसके मालिक का अता पता नहीं है। INN न्यूज़ के लिए शारिफ खान की रिपोर्ट। गुलफाम भाई, जिला अस्पताल में OBD के पास अभी बाइक में आग लगी थी, किस तरीके से आग लगी, कैसे बुझाई गई? स्कूटी है जी, एक्टिवा, उसमें आग लग रही थी। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, मैंने जाके देखा, उसमें काफ़ी जोर से आग लग रही, कोई बुझाने वाला था नहीं। इधर जैसे पानी का पाइप निकाल के उसको बुझाया, आग को बुझाया। ये अभी जिला अस्पताल में OBD के पास क्या हुआ इस बाइक में? स्कूटी में खड़ी थी, इसमें हल्का थोड़ा धुआं निकलना चालू हुआ, हमने देखा जैसे धुआं निकल रहा, दिल्ली नंबर है गाइस, तो हमने इसे बुझाने की कोशिश करी। अभी तक हम इसे पाइप लाए खींच के पानी का, इसने जोरों से आग पकड़ ली। अब इतने हमने इसे बुझाया तो ये इतनी जल्दी पता चला ये बाइक किसकी है? कोई मालिक नहीं आया। कितनी देर से खड़ी है ये? खड़ी है करीब 2 घंटे से। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।